हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में मॉडल फेज को समझा था। आज हम मिलिटेंट नेशनलिज्म यानी कि उग्रवादी राष्ट्रवाद के दौर को समझने की कोशिश करेंगे जो कि 1905 से 1909 तक चला था। सबसे पहले हम यहाँ पर ये समझेंगे कि आखिर इसका उदय क्यों हुआ। तो इसके कुछ प्रमुख कारण थे, जैसे कि ब्रिटिश सत्ता का जो वास्तविक चरित्र था वो लोगों के सामने आ गया था। दरअसल 1892 का जो भारतीय परिषद अधिनियम था, इसकी इस आधार पर आलोचना की गई राष्ट्रवादियों के द्वारा कि ये उनकी मांग को पूरा करने में असमर्थ रहा था। आखिर क्यों ऐसा हुआ था? दरअसल इसमें पूरक प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं दी गई थी और जो बजट था उस पर डिस्कशन करने की अनुमति थी, बट उसमें वोटिंग राइट्स नहीं मिले थे। कोई अपना वहां पर वोट नहीं कर सकता था। इसी तरह जो नाटू ब्रदर्स थे, नाटू भाई, उन्हें डिपोर्ट कर दिया गया था। इसके अलावा जो तिलक थे और कई अन्य जो देशी थे, हमारे राष्ट्रवादी लोग थे, उन पर भी सेडिशन यानी कि राष्ट्रद्रोह का चार्ज लगा के इन्हें डिपोर्ट कर दिया गया था। इन्हें सजाएं दी गई थी। इसी तरह कुछ दबाने वाले जो रिप्रेसिव एक्ट होते थे वो लाए गए, जैसे कि आईपीसी की सेक्शन 124A, और इसे और क्रूरतम स्वरूप प्रदान कर दिया गया क्योंकि इसमें आईपीसी की सेक्शन 156A के तहत कुछ और प्रावधान जोड़ दिए गए। इसी प्रकार से कलकत्ता कॉरपोरेशन में भारतीय सदस्यों की संख्या को घटा दिया गया 1899 में। इसी प्रकार ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट 1904 और जो भारतीय यूनिवर्सिटी एक्ट आया 1904 का, इसने सरकार का जो नियंत्रण था वो बढ़ा दिया हमारी यूनिवर्सिटीज पर। और जो ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट था ये क्या करता था, प्रेस की स्वायत्तता को कम करता था, सीमित करता था। तो ये सारे एक प्रमुख कारण हो गए जिन्होंने उग्रवादी राष्ट्रवाद को उभरने में सहायता प्रदान करी। इसके अलावा जो भारतीय लोग होते थे उनमें कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस ऑफ और सेल्फ रिस्पेक्ट की भावना उभर रही थी। इसके कुछ प्रमुख कारण थे जो कि संचालित हो रहे थे जो देश विदेश की अन्य परिस्थितियां थी उससे। जैसे कि इन्होंने देखा कि जो इटालियन आर्मी है उसको इथोपियन आर्मी ने 1896 में हराया। इसी प्रकार जो बोअर का युद्ध होता है वहां पर भी ब्रिटिशर्स को अच्छी तरीके से चैलेंज किया था, और जापान ही इसी तरह से रशिया पर विजय हासिल करता है 1905 में, और जिससे कि सिद्ध हुआ कि जो यूरोपीय जो लोग हैं, जैसे कि हमारे ब्रिटिश थे ये लोग उपनिवेशवादी, ये अपराजेय नहीं है, इन्हें भी हराया जा सकता है, ऐसा लोगों में संदेश जाता है। रिएक्शन टू इंक्रीजिंग वेस्टर्नाइजेशन, जो पश्चिमीकरण था बढ़ता जा रहा था, उससे भी इन्हें कुछ ये लोग खफा थे, नाराज होते थे। इसी प्रकार जो मॉडरेट फेज था उसमें जो 3P की पॉलिसी थी, प्रेयर, पिटिशन एंड प्रोटेस्ट, इसको भी राजनीतिक भिक्षावृत्ति का इन्होंने संज्ञा दिया और बोला कि ये मेथड सुटेबल नहीं है, ये इफेक्टिव नहीं है। इसके साथ ही साथ जो कर्जन थे, उस समय कर्जन रूल कर रहे थे, तो वो उनकी जो नीतियां थी वो काफी प्रतिक्रियावादी थी, रिएक्शनरी थी। जैसे कि इसमें सम्मिलित था ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट, इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट, कलकत्ता कोऑपरेशन एक्ट, जिन्हें अभी हमने समझा थोड़ा समरी में। सबसे ऊपर यहाँ पर एक चीज उन्होंने करी जो कि था पार्टीशन ऑफ बंगाल। तो इसने कोई ऐसा शक नहीं छोड़ा भारतीयों के हृदय में कि इनकी जो नीतियां हैं वो बस हमको दबाने के लिए है, यहाँ कोई इनका उधार का यहाँ पर कोई स्कोप नहीं दिख रहा था। यहाँ पर मिलिटेंट स्कूल ऑफ थॉट उभरता है और इनके कुछ थॉट क्या थे यहाँ पे हमें देख लेना है समरी में। हेटेड फॉर फॉरेन रूल, भारतीयों के मन में यहाँ पर विदेशियों के प्रति, विदेशी जो सत्ता है, शासन है, उसके खिलाफ घृणा उत्पन्न करना। इनका मानना था सिंस नो होप कुड बी डिराइव्ड फ्रॉम इट, उनका मानना था इनसे कोई अभी हमें होप नहीं है, तो इसलिए हमें अपने कार्य खुद करने होंगे, हमें अपना उद्धार स्वयं करना होगा। इसी तरह इनका मानना था कि जो स्वराज है वही हमारा नेशनल मूवमेंट में गोल होना चाहिए। डायरेक्ट पॉलिटिकल एक्शन, प्रत्यक्ष राजनीतिक कार्यवाही की यहाँ पर मांग रखी गई, और इनका मानना था कि कैपेसिटी ऑफ द मासेस, जनता है, जो जनता है इसकी क्षमता में विश्वास करना और हर समय बलिदान के लिए तैयार रहना और इसमें पीछे नहीं हटना। इसके साथ ही साथ यहाँ पर जो बंगाल का डिवीजन होता है इसे समझ लेते हैं हम लोग। इसकी बात की गई दिसंबर 1903 में पहली बार, और इसका आइडिया ये था कि बंगाल को दो भागों में बांट दिया जाए, जिसमें कि एक भाग होता पश्चिमी बंगाल, और इसमें ही सम्मिलित होते बिहार और उड़ीसा, और दूसरा जो हमारा पूर्वी बंगाल होता उसमें सम्मिलित होता आसाम भी। ठीक है, पश्चिमी बंगाल जिसमें कि बिहार और उड़ीसा भी आते,
और पूर्वी बंगाल जिसमें कि आसाम भी सम्मिलित होता। इसी तरह कलकत्ता इसकी राजधानी होनी थी, जो यहाँ पर जो पूर्वी बंगाल होना था, सॉरी पश्चिमी बंगाल की राजधानी कलकत्ता रहती, जबकि जो ढाका था, ढाका पूर्वी बंगाल की राजधानी बनाया जाना था। यहाँ पर मैप से समझ सकते हैं ये हमारा बंगाल हो जाता वेस्टर्न वाला, और यहाँ पर ईस्टर्न बंगाल अलग से बन जाता जिसमें कि आसाम अलग से होता। तो यहाँ पर बात ये थी कि जो हमें भगवा कलर का दिख रहा है, ये हिंदुज्म की पॉपुलेशन को दिखा रहा है। यहाँ पर हिंदू बहुमत में थे और इसी प्रकार यहाँ पर मेजोरिटी में थे मुस्लिम्स भाई, ठीक है। तो ये एक प्रकार से राष्ट्रीयता का उभार यहाँ पर बहुत अच्छे से हो रहा था, जो कलकत्ता था ये उसका केंद्र बिंदु बना था। तो इसे तोड़ने के लिए लोगों में फूट डालो राज करो की नीति करने के उद्देश्य से इसको लाया गया था। तो इसकी प्रक्रिया भी यहाँ पर भारी स्वरूप में हमें देखने को मिलती है। देखिए एंटी पार्टीशन कैंपेन अंडर मॉडरेट्स, तो मॉडरेट्स ने यहाँ पर कुछ एंटी पार्टीशन मूवमेंट शुरू किए जो कि 1903 से 1905 तक चले थे। इनका मेथड होता था पिटीशन डालना, याचिका दाखिल करना गवर्नमेंट के पास, मीटिंग्स, मेमोरेंडम, प्रोपेगेंडा चलाना, पंपलेट वितरित करना, न्यूज़पेपर छापना, जैसे कि न्यूज़पेपर्स के अंतर्गत यहाँ पर हितवादी, संजीवनी और बंगाली, ये तीन न्यूज़पेपर हमें यहाँ देखने को मिलते हैं इस दौर में। इनका मानना था कि सफिशियंट हमें प्रेशर बनाना चाहिए गवर्नमेंट के ऊपर, और लोगों को भी एजुकेट करना चाहिए, एक सामान्य राजनीतिक राय बनानी चाहिए, जिससे कि जो ये अन्यायिक गैर न्यायिक प्रकार का जो अनजस्ट पार्टीशन इन्होंने किया है, जो कि बिल्कुल भी न्यायोचित नहीं है, इसको लागू करने से रोका जा सके। समझ रहे हैं आप। नेक्स्ट है द गवर्नमेंट अनाउंस, इन्होंने फिर फाइनल अनाउंसमेंट कर ही दिया, ये याचिकाओं से प्रभावित नहीं हुए और इन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया 1905 में जुलाई में, ठीक। ऑन अगस्त 7, 1905 विद द पासेज ऑफ बॉयकॉट रेजोल्यूशन, तो इसकी प्रक्रिया क्या हुई, बॉयकॉट रेजोल्यूशन पारित किया गया यहाँ पर। कहाँ पर, कलकत्ता में। कलकत्ता में एक टाउन हॉल होता था, वहां पर सभी लोग एकत्र हुए राष्ट्रवादी, और इन्होंने बॉयकॉट रेजोल्यूशन लागू किया, और इन्होंने स्वदेशी को भी यहीं पर अपनाया, स्वदेशी मूवमेंट, ठीक है। ध्यान में रखना है कि स्वदेशी मूवमेंट यहाँ पर शुरू होता है बंगाल विभाजन की प्रक्रिया के अंतर्गत। आखिरकार 16 अक्टूबर 1905 को पार्टीशन हो जाता है बंगाल का, पार्टीशन 16 अक्टूबर 1905 को हो जाता है, और इसके विरोध में पूरे बंगाल में शोक दिवस बनाया गया, मॉरिंग, मॉरिंग मतलब होता है शोक, और अमार सोनार बांग्ला का गीत गाया गया कि हमारा प्यारा बांग्लादेश, आई होप शायद ऐसा ही मीनिंग कुछ होता होगा, तो इनको गाया गया, जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने बनाया था, और ये आज की डेट में बंगाल का नेशनल एंथम भी है। कांग्रेस पोजीशन, कांग्रेस का यहाँ पर क्या रुख होता था, देखिए नेशनल कांग्रेस का जो सेशन था 1905 वाला, वो गोखले जी की अध्यक्षता में होता है। यहाँ पर बंगाल का जो विभाजन था इसका विरोध किया गया, और जो रिएक्शनरी पॉलिसीज थी कर्जन की, इनका भी विरोध किया गया। इन्होंने एंटी पार्टीशन यानी कि जो विभाजन विरोधी आंदोलन था और जो स्वदेशी आंदोलन था, इसका पक्ष लिया, और यहाँ पर एक बड़ा स्टेप लिया गया कलकत्ता के 1906 के सेशन में, जिसको हेड किया था दादा भाई नौरोजी जी ने। यहाँ पर सबसे बड़ा स्टेप ये लिया गया कि सेल्फ गवर्नमेंट या स्वराज की मांग रखी गई, ठीक है। इट वॉज डिक्लेयर द गोल ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज नाउ सेल्फ गवर्नमेंट और स्वराज, ये बहुत ज्यादा याद रखने वाली बात है। नेक्स्ट है द एक्सट्रीमिस्ट, एक्सट्रीमिस्ट का क्या प्रोग्राम था यहाँ पर आगे, तो एक्सट्रीमिस्ट गेव अ कॉल टू पैसिव रेजिस्टेंस इन एडिशन टू द स्वदेशी एंड बॉयकॉट पर्पस। इन्होंने पैसिव रेजिस्टेंस की नीति अपनाई। अरविंदो निजी ने उसको बोला कि एडमिनिस्ट्रेशन की ये हालत कर दीजिए कि ये काम ही करना इम्पॉसिबल हो जाए, इम्पॉसिबल बाय एन ऑर्गेनाइज रिफ्यूजल, एक संगठित प्रकार से ना ही कर दीजिए, हर चीज के लिए ना कर देना, टू एनी थिंग, कुछ भी ऐसा करने के लिए ना कर देना, विच विल हेल्प आइदर द ब्रिटिश गवर्नमेंट, जो कि ब्रिटिश के कॉमर्स को योगदान करता, या फिर उनके किसी भी प्रकार से शोषण में सहायता करता हमारे देश के। तो इस प्रकार की कोई भी रणनीति, कोई भी कार्य में हमें सहयोग नहीं करना है। इसके अलावा पॉलिटिकल फ्रीडम इज द लाइफ, इज द लाइफ ब्रीथ ऑफ अ नेशन, जो राजनीतिक स्वायत्तता है वही किसी देश की सांसें हैं, सांसें हैं, ऑक्सीजन है, मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग क्या है, हमारी राजनीतिक स्वायत्तता ही सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। तो यहाँ पर दो फॉर्म उभर कर आते हैं संघर्ष के, पहला हो गया विदेशी वस्तुओं का बॉयकॉट करना और पब्लिक मीटिंग और प्रोसेशन करना। आगे समझते हैं हम लोग, कॉर्प्स ऑफ वॉलंटियर और समिति, यहाँ पर एक नई विशेषता देखने को मिलती है, समितियों की स्थापना,
समिति क्या होती थी कि कुछ लोगों का, कुछ युवकों का, या जो अच्छा करना चाहते थे, इसमें योगदान करना चाहते थे, तो उनका एक प्रकार का संगठन बन जाया करता था। जैसे कि स्वदेश बांधव समिति बनाई थी अश्वनी कुमार दत्ता जी ने, 12 साल के जो थे, 12 साल के नहीं थे, 12 साल के थे। दिस इज अ नेम ऑफ अ प्लेस, इमर्ज एज अ वेरी पॉपुलर एंड पावरफुल मीन्स ऑफ मास मोबिलाइजेशन। तो इसमें लोगों को जोड़ने का भारी मात्रा में प्रयास किया जाता था। इसी तरह तिरुनवेली तमिलनाडु में डब्ल्यू ओ चिदम्बरम पिल्लई, सुब्रमण्यम शिवा एंड अदर जो लॉयर्स थे, उन्होंने बनाया स्वदेशी संगम। तो आप याद रखें कि स्वदेशी संगम की स्थापना तमिलनाडु में तिरुनवेली नामक स्थान पर चिदम्बरम पिल्लई और सुब्रमण्यम स्वामी शिवा द्वारा की गई थी। किस दौर में हो रही है? स्वदेशी आंदोलन चल रहा है। किस लिए चल रहा है? बंगाल के विभाजन के लिए चल रहा है। और विभाजन क्यों हो रहा है? कर्जन की प्रतिक्रियावादी नीतियों के स्वरूप। ऐसे हमें मन में, मतलब एक फ्लो चार्ट होना चाहिए, एक टाइम लाइन, एक क्रोनोलॉजी। ये एमसीक्यू सॉल्व करने में बहुत ज्यादा काम आती है। इमेजिनेटिव यूज ऑफ ट्रेडिशनल पॉपुलर फेस्टिवल एंड मेलाज, जो पॉपुलर, जो स्थानीय तौर पर और लोकप्रिय जो मेले होते थे, त्योहार होते थे, इनका प्रयोग किया गया लोगों को इसे जोड़ने में, जागरूक करने के उद्देश्य से। इसके अलावा सेल्फ रिलायंस पर जोर दिया गया, बल दिया गया, मतलब कि जो हम हैं खुद ही स्वायत्त हैं, अपना क्रियाकलाप हम ब्रिटिशर्स के बिना भी कर सकते हैं। प्रोग्राम ऑफ स्वदेशी और नेशनल एजुकेशन, यहाँ पर एक अवधारणा लाई गई कि नेशनल एजुकेशन, हम अपनी जो राष्ट्रीय एजुकेशन है उस पर बल देंगे, जिसके अंतर्गत बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना होती है, जो कि शांति निकेतन से प्रेरित था, जिसकी स्थापना टैगोर जी ने कर रखी थी। और इसके प्रिंसिपल किसे बनाया गया? अरविंदो घोष को इसका प्रिंसिपल बनाया गया था। नेक्स्ट क्या होता है? 15 अगस्त 1906 को नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन सेट किया गया, और इसका एम क्या होता था? लिटरेरी और साइंटिफिक और टेक्निकल क्षेत्र में योगदान करना और नेशनल लाइज एंड अंडर नेशनल कंट्रोल, मतलब राष्ट्रीय, मतलब कि विदाउट एनी ब्रिटिश इंटरफेरेंस हम अपने इसको इम्प्रूव करेंगे, लिटरेचर को, साइंस और टेक्निकल चीजों को। चार हमारे सबसे मेन यहाँ पर लीडर्स होते हैं, जिनका लाल बाल पाल, इन्हें समरी में बोला जाता है, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक और अरविंदो घोष। अरविंद घोष शुरू में काफी सक्रिय होते थे, हालांकि इन्हें बाद में सजा दे दी जाती है एकांतवास की। एकांतवास में इन्होंने अपना एक अलग दर्शन उभारा, और उसके बाद जब वो यहाँ से लौटते हैं तो ये राजनीति से, सक्रिय राजनीति से संन्यास प्रकार का ले लेते हैं। स्वदेशी और इंडिजिनस इंटरप्राइजेस, वीओ चिदम्बरम जो थे, वीओ चिदम्बरम पिल्लई, इन्होंने एक अपना वेंचर स्टार्ट किया, नेशनल शिप बिल्डिंग इंटरप्राइज स्टार्ट किया, जिसका नाम था स्वदेशी स्टीम नेविगेशन कंपनी, जिसका की हेडक्वार्टर तूतीकोरिन में था। दिस इज अ वेरी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, याद रखी जा सकती है अगर कोई रखना चाहे, बट नॉट मच नीडेड आई थिंक। इम्पैक्ट इन द कल्चरल स्फीयर, अच्छा इसकी सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मुझे लगती है कि जो इसका जो प्रभाव था वो केवल राजनीतिक क्षेत्र तक सीमित नहीं रहा, राजनीतिक आर्थिक क्षेत्र तक सीमित नहीं रहा, बल्कि ये कल्चरल एस्पेक्ट तक पहुंच गया। यानी कि जो हमारा कल्चर है हम उसे रिवाइव करने की बात करने लगे, उसे ब्रिटिश का जो प्रभाव था उसे छुड़ाने की बात करने लगे। जैसे कि इन तमिलनाडु में सुब्रमण्यम भारती ने एक लिखा है कुछ, क्या है इसका नाम? सुदेश गीतम, स्वदेश से बना होगा, सुदेश गीतम। इसी प्रकार जो पेंटिंग्स होती थी, अवनींद्रनाथ टैगोर ने इसमें जो प्रभाव था कंपनी की पेंटिंग का, कंपनी कला एक होती है, तो विक्टोरियन का जो प्रभाव था उसको इन्होंने तोड़ा। कैसे तोड़ा? इनको मतलब इसके वर्चस्व को, मतलब एक चुनौती पेश करी। चुनौती पेश करने के लिए उन्होंने इंस्पिरेशन लिया हमारे इंडियन जो थॉट्स थे उससे, जो कि अजंता, मुगल और राजपूताना पेंटिंग्स में देखने को मिलते हैं, उससे इन्होंने मतलब प्रेरणा लेते हुए कंपनी की पेंटिंग्स को चुनौती दी। इसी प्रकार जो नंदलाल बोस थे, काफी फेमस पेंटर हैं, हु लेफ्ट अ मेजर इम्प्रिंट ऑन इंडियन आर्ट, इंडियन आर्ट में इनका काफी योगदान माना जाता है। इनको पहली स्कॉलरशिप ऑफर होती है इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट, जिसकी की स्थापना 1907 में हुई थी। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट को पाने वाले, की स्कॉलरशिप पाने वाले पहले इंडियन कौन थे? तो उनका नाम था नंदलाल बोस जी। अच्छा, यहाँ पर आप एक एमसीक्यू बना सकते हैं छोटा सा, कि अवनींद्रनाथ टैगोर की सबसे फेमस पेंटिंग कौन सी है। इस क्वेश्चन इज नॉट परफेक्ट, जैसे पूछा जाए कि भारत माता वाली जो पेंटिंग है वो किसने बनाई थी, तो इसका आंसर होता है अवनींद्रनाथ टैगोर जी। एक्सटेंट ऑफ मास पार्टिसिपेशन, अब हम यहाँ पे समझेंगे कि जो मासेस थे इसका यहाँ पर
क्या रोल था? एक्चुअली मॉडर्न फेज में तो ये इतना इफेक्टिव रोल इनका नहीं रहा था, लेकिन यहाँ पर अब हम देखते हैं किसका कितना प्रभाव था। तो यहाँ पर हम पाते हैं कि स्टूडेंट पार्टिसिपेशन वाज विजिबल इन बंगाल। बंगाल में स्टूडेंट का भागीदारी देखने को मिलती है, महाराष्ट्र स्पेशली इन पूना एंड इन मैनी पार्ट ऑफ द साउथ में गुंटूर, मद्रास और सलेम, इन सब जगहों पर हमें स्टूडेंट्स का पार्टिसिपेशन देखने को मिलता है। इसके अलावा महिलाओं ने भी इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करी। वुमेन प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल। इसके अलावा जो हिंदू फेस्टिवल्स होते थे और गॉडेस फॉर इंस्पिरेशन, इनको लिया गया, तो जिससे कि मुस्लिम जो थे वो इस आंदोलन से बाहर हो गए, इनका इसमें खास योगदान नहीं रह गया। इसके अलावा आपको ध्यान होगा जो इसकी जब घोषणा हुई होती है तो इसमें इनको मुस्लिम भाइयों को एक पेशकश की गई थी कि आपकी एक अलग राजधानी ढाका होगी, ढाका में एक अलग राजधानी होगी। तो इस प्रकार से मुस्लिम वैसे भी यहाँ पर भाग नहीं लेने वाले थे, क्योंकि इन्हें लगता था कि इनका एक राजनीतिक केंद्रीकरण यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो मुस्लिम्स की यहाँ पर भागीदारी कम रही। इसके अलावा जो आइकन्स थे, हिंदू फेस्टिवल और गॉडेस की पूजा पाठ करना, मेले का आयोजन करना, तो इसने भी मुस्लिमों की भागीदारी को इसने सीमित किया। तत्पश्चात सितंबर 1905 में 250 बंगाली, मतलब इसका प्रभाव बताया जा रहा है कि कितना ये मास पार्टिसिपेशन यहाँ देखने को मिला। तो 250 जो बंगाल के क्लर्क थे बर्न कंपनी में, इन्होंने मना कर दिया काम करने से, ठीक है। इसी प्रकार जुलाई 1906 में एक स्ट्राइक देखने को मिलती है रेलवे में, ईस्टर्न इंडियन रेलवे में, जिसने कि रेलवे मैन यूनियन की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया। 1906 से 1908 में कई स्ट्राइक्स देखने को मिलती हैं जूट मिल्स में भी, जो कि सुब्रमण्यम शिवा और चिदम्बरम पिल्लई, इन्होंने भी मतलब आयोजन कराया, हड़ताल को बढ़ावा दिया। फॉरेन ऑन कॉटन मिल में, मतलब जो विदेशी, मतलब जिस कंपनियों के मालिक थे, फैक्ट्रियों के मालिक थे, वहां पर इन्होंने हड़ताल वड़ताल करने पर बल दिया। इसी तरह रावलपिंडी पंजाब में आर्सेनल और रेलवे वर्कर्स ने भी स्ट्राइक करी। ऑल इंडिया एक्सपेक्ट इसका था कि ये जो बंगाल के विभाजन का जो विरोध में जो आंदोलन था, ये दरअसल केवल बंगाल तक सीमित नहीं था, बल्कि ये देश के कई जगहों तक भी फैल गया था, कई भागों तक ये विस्तृत हो गया था। एनुलमेंट ऑफ पार्टीशन, इसकी घोषणा होती है 1911 में, जब राज दरबार का आयोजन किया गया था, तो इससे काफ़ी मुस्लिम जो राजनीतिक थे उनको कुछ झटका सा लग जाता है। और इसके साथ ही जो कैपिटल होती थी उसको कलकत्ता से हटाकर दिल्ली शिफ्ट करने की भी घोषणा कर दी गई थी। इवैल्यूएशन ऑफ स्वदेशी मूवमेंट, इसका अगर हम लोग इवैल्यूएशन करें, मूल्यांकन करें, तो हम देखते हैं क्या पाते हैं। फेल टू क्रिएट एन इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन और अ पार्टी स्ट्रक्चर, एक इसका संगठित स्वरूप ना होने के कारण ये कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा असफल हो जाता है। और इसने ही उसका उन नीतियों का आधार बनाया जो कि बाद में गांधी जी के सिद्धांतों का आधार बनी, जैसे कि नॉन कोऑपरेशन, असहयोग, पैसिव रेजिस्टेंस, फिलिंग ऑफ ब्रिटिश जेल, सोशल रिफॉर्म करना, रचनात्मक कार्य करना, ये सब किया। बट इन सब तकनीक को एक डिसिप्लिन मैनर में, अनुशासित दिशा ये आंदोलन देने में असफल रहा कहीं ना कहीं, जो कि बाद में गांधी जी आकर देते हैं। द मूवमेंट वाज रेंडर लीडरलेस हो गया था ये आंदोलन, जब मोस्ट ऑफ द लीडर्स आइदर अरेस्टेड और डिपोर्टेड बाय 1908 तक में कई सारे लीडर्स को अरेस्ट कर दिया गया या डिपोर्ट कर दिया गया, अदर कंट्री में उन्हें सजाएं दे दी गई, तो फिर ये नेता विहीन हो गया, नेतृत्व विहीन हो गया ये आंदोलन। जैसे कि अरविंदो घोष और विपिन चंद्र पाल, इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया था राजनीतिक गतिविधियों से। इंटरनल सब स्क्वैबल्स अमंग लीडर्स, कभी कभी राजनेताओं के मध्य आपसी मतभेद हो जाते हैं, ये भी इसमें योगदान कर गए कहीं ना कहीं इस आंदोलन को कमजोर करने में, जो कि हमें दिखता है अब काफी प्रभावी रूप से सूरत स्प्लिट जब 1907 में होता है, तो इन मतभेदों का ही परिणाम था। कुछ का मानना था कि स्वदेशी और बॉयकॉट को केवल बंगाल तक सीमित रखा जाए, जबकि कुछ मानते थे कि नहीं, पूरे पूरे मतलब नेशन में इसको फैलाया जाए। द मूवमेंट अराउज द पीपल बट डिड नॉट नो हाउ टू टैप द न्यूली रिलीज एनर्जी, मतलब लोगों को तो जोड़ लिया, पर जो नई नई एनर्जी प्राप्त हो रही है इसको कैसे प्रयोग किया जाए, किस दिशा में इसको मोड़ा जाए, इसको भी समझने में ये लोग असफल रहे। द मूवमेंट लार्जली रिमेन कन्फाइंड टू द अपर एंड मिडिल क्लास एंड जमींदार, मतलब हायर और मिडिल क्लास तक ही सीमित रहा, मास तक, बेसिक मास तक पहुँचने में कहीं ना कहीं असफल रहा। नॉन कोऑपरेशन एंड पैसिव रेजिस्टेंस रिमेन मेयर आइडियाज, ये बस
मतलब एक सिद्धांत, एक दर्शन के रूप में रह गया। ये सब प्रभावी रूप से धरातल पर नहीं देखने को मिला, असहयोग जैसी जो रणनीतियां थी वो। इट इज डिफिकल्ट टू सस्टेन अ मास बेस्ड मूवमेंट एट अ हाई पिच फॉर अ टू लॉन्ग। लोगों को जोड़ने के बाद एक लंबे समय तक आंदोलन को चलाया जाना बहुत कठिन होता है, जिसे कि गांधी जी अच्छे समझते थे। तभी वो संघर्ष विराम और संघर्ष की रणनीति लाते थे। दिस इज संघर्ष, एक बार विराम आया, फिर संघर्ष किया, स्ट्रगल, फिर विराम। इनका मानना था कि लगातार जनता की जो बलिदान की सीमा है वो सीमित है, लगातार नहीं कर सकती जनता। मूवमेंट एज अ टर्निंग पॉइंट, इट प्रूव टू बी अ लीप फॉरवर्ड इन मैनी वेज दैट वन। कई दिशाओं में ये काफी आगे हमें ले जाने वाला था, जैसे कि इसने हिट किया अनटच सेक्शन को, जो कि अभी तक आंदोलन से नहीं जुड़ पाए थे। हमने पहले वाले जो मॉडरेट फेज थे उसमें जाना था कि केवल जो लॉयर्स थे या सरकारी सेवाओं में जो लोग थे, उच्च वर्ग के जो लोग थे, वही इससे जुड़े थे। लेकिन यहाँ पर इसने कहीं ना कहीं उन लोगों को जोड़ा जो इस आंदोलन से पहले अछूते हुआ करते थे, जैसे स्टूडेंट्स, महिलाएं, वर्कर, सम सेक्शन ऑफ अर्बन एंड रूरल पॉपुलेशन पार्टिसिपेटेड। इन सब ने इसमें हिस्सा लिया। ऑल द मेजर ट्रेंड ऑफ द नेशनल मूवमेंट फ्रॉम कंजर्वेटिव मॉडरेशन टू पॉलिटिकल एक्सट्रीमिज्म, फ्रॉम रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज टू इंसिपिएंट सोशलिज्म, यानी जितने भी सिद्धांत हो सकते थे, राजनीतिक एक्सट्रीमिज्म, क्रांतिकारी क्रियाविधियां, सामाजिकवाद, समाजवाद, ये सारी पिटिशन से याचिका दाखिल करते करते प्रार्थना करना, पैसिव रेजिस्टेंस कर जाना, नॉन कॉपरेशन, सब कुछ इसी से उभरता है, कहीं ना कहीं हम देखने को पाते हैं। द रिचनेस ऑफ द मूवमेंट वॉज नॉट कन्फाइंड बाई द पॉलिटिकल, जैसे मैंने बताया ना कि ये आर्ट एंड कल्चर तक ये फैला हुआ था। इन सब क्षेत्रों में भी यहाँ पर हमें सुधार देखने को मिलता है। पीपल वर अरोस्ट फ्रॉम स्लम्बर एंड नाउ दे लर्न टू टेक बोल्ड पॉलिटिकल पोजीशन। अब ये जो जनता होती थी वो एक कड़ा रुख धारण करने में सक्षम हो चुकी थी, राजनीतिक पक्षों को समझने लगी थी, जागरूक हो चुकी थी, अब वो भागीदारी करने के लिए तैयार थी एंड पार्टिसिपेट इन न्यू फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल वर्क, नए समाज में नए तरीके से भागीदारी करने के लिए तैयार थी। द स्वदेशी कैंपेन अंडरमाइन द हेमोजेनी ऑफ द कॉलोनियल आइडियाज, इसको सामने लाता है कि जो उपनिवेशवादी जो विचार था, किस प्रकार से सोशल पर आधारित था, उसे सामने लाया। फ्यूचर स्ट्रगल वाज टू ड्रॉ हैवली फ्रॉम द एक्सपीरियंस गेन, जो यहाँ पर एक्सपीरियंस लिया गया था लोगों द्वारा, इसी से फ्यूचर हमारा ड्रॉ होना था। सूरत स्प्लिट को हम लोग यहाँ पर समझ लेते हैं, पॉइंटर यूज करना ज्यादा बेटर होता है आई थिंक। द कांग्रेस स्प्लिट एट सूरत केम इन दिसंबर 1907। दिसंबर 1907 के सत्र में यह हमें देखने को मिलता है, रन अप ऑफ द सूरत। 1905 में बंगाल सेशन हुआ था, जिसको की हेड किया था गोखले जी ने। यहाँ पर एक माइल्ड रिजोल्यूशन पारित किया, जहाँ पर बोला गया कि पार्टीशन ऑफ बंगाल एंड रिएक्शनरी पॉलिसी ऑफ कर्जन एंड सपोर्टिंग द स्वदेशी। ये हमने समझ लिया था कि बंगाल का विभाजन का विरोध करना और कर्जन की प्रतिक्रियावादी नीतियों का विरोध करना, साथ ही साथ स्वदेशी और बॉयकॉट का समर्थन करना, ये यहाँ पर पारित किए गए थे कुछ प्रावधान। इसी प्रकार इसके बाद में 1906 का कलकत्ता सेशन होता है, जिसमें कि मॉडरेट का मानना था कि बॉयकॉट जो है, मॉडरेट का मानना, ध्यान से समझिएगा, जो मॉडरेट थे उनका मानना था कि बॉयकॉट का जो मूवमेंट है वो केवल बंगाल तक सीमित रखा जाए, और जो बॉयकॉट है वो भी फॉरेन की जो चीजें हैं उसे कपड़े और लीकर तक, लीकर मीन्स शराब, कपड़े और लीकर तक ही सीमित रखा जाए। जबकि जो एक्सट्रीमिस्ट होते थे, इनका मानना था कि जो मूवमेंट है वो पूरे देश में फैला दिया जाए और इसमें जितनी ज़्यादा सामान, जितनी चीज़ें हो सकती थी, उन सबको इसमें इंक्लूड कर लिया जाए। तो आखिरकार स्प्लिट 1907 में होता है, 5 से इसकी आधार भूमि बन चुकी थी। स्प्लिट बिकेम इनवाइटेबल, मतलब ये होना ही होना हो गया, मतलब ये इसको अब टाला नहीं जा सकता था। एंड द कांग्रेस वाज नाउ डोमिनेटेड बाय द मॉडरेट, जिसमें कि अभी कांग्रेस में मॉडरेट का ही वर्चस्व था, जिनके पास हु लॉस्ट नो टाइम इन रिटायरिंग कांग्रेस कमिटमेंट, जो कि इससे पीछे नहीं हट सकते थे।
गोल ऑफ द सेल्फ गवर्नमेंट विद इन द ब्रिटिश एम्पायर एंड टू द यूज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इनका मानना था कि जो संवैधानिक प्रावधान है उसी तरीके से हमें चलना है। मतलब ये भी एक प्रकार से इतने दृढ़ संकल्प नहीं हुए थे कि नहीं उखाड़ फेंकेंगे, कर डालेंगे, सबको एक साथ है, हम इनको हटा देना है, ऐसा इनका विचार नहीं था। एक संवैधानिक अप्रोच ही लेकर चल रहे थे। तो गवर्नमेंट ने इसको रिप्रेस करने का भी प्रयास किया, जैसे कि इन्होंने सेडिशस मीटिंग एक्ट 1907 ले आया, इंडियन न्यूज़पेपर इंसाइटमेंट ऑफ ऑफेंसेस एक्ट 1908 ले आया, क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 1908 और इंडियन प्रेस एक्ट 1910। इन सब एक्ट्स के माध्यम से जो राष्ट्रवाद था, राष्ट्रवादियों की जो भावनाएं थी, जो विचार ये जागरूकता फैला रहे थे, उन्हें सीमित करने का प्रयास किया गया। तिलक जो मेन एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे और उन्हें ट्राइड इन 1909 में इनको अरेस्ट किया गया सेडिशन का चार्ज लगाते हुए, क्योंकि इन्होंने 1908 में इनका जो केसरी पत्र होता था उसमें एक बॉम्बे में बम फेंका गया था रिवॉल्यूशनरी द्वारा, एक क्रांतिकारी व्यक्ति द्वारा, तो उसके बारे में इन्होंने लिखा था, उसकी तारीफ दरअसल इन्होंने कर रखी थी केसरी में, तो उसके आधार पर इन्हें सजा दे दी गई थी, डिपोर्ट कर दिया गया था। गवर्नमेंट की स्ट्रैटेजी इसमें क्या थी? इनकी एक ये स्ट्रैटेजी थी जिसे कैरेट एंड स्टिक स्ट्रैटेजी के माध्यम से जाना जाता है। इसमें सबसे पहले ये माइंडली रूप से मतलब हल्का फुल्का इन्हें दबाते थे, उसके बाद जब दब जाते थे, लोग उनकी बातों में आ जाते थे, तो इन्हें थोड़ी बहुत कंसेशन दे दिया करते थे। तो यहाँ पर ये दिखाया जाता है कि द सूरज स्प्रिट सजेस्ट दैट द पॉलिसी ऑफ कैरेट एंड स्टिक हैज ब्रॉट रिच डिविडेंड टू द ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट। जो तो यहाँ की जो ब्रिटिश सरकार थी, यहाँ पे इन्हें काफी ज्यादा इससे लाभ प्राप्त होता है। मार्ले विंटर रिफॉर्म फिर 1909 में आते हैं इसके बाद। तो ये इसी का एक प्रावधान था कि मतलब संवैधानिक अप्रोच इनका चल रहा था, इन्होंने विभाजन विभाजन का विरोध किया, स्वदेशी वगैरह किया, तो एक मार्ले विंटर रिफॉर्म एक प्रकार का ये कैरेट इन्हें पकड़ा दिया गया, जिसके अंतर्गत मुस्लिम्स को यहाँ पर हम जानते हैं, नहीं स्टार्टिंग से समझ लेते हैं। 1906 में मुस्लिम एलाइट्स का एक ग्रुप था जो कि शिमला में जाता है, जिसको हेड कर रहे थे आगा खां, ये मिलते हैं लॉर्ड मिंटो से और डिमांड करते हैं कि हमें अलग प्रतिनिधित्व चाहिए मुस्लिमों का। इसके बाद यही ग्रुप जल्दी से जाकर मुस्लिम लीग की स्थापना करता है, जिसमें मुख्य रूप से सम्मिलित थे शुरू में सलीमुल्ला ऑफ ढाका, सलीमुल्ला ढाका के राजा, एंड नवाब थे मोहसिन उल मुल्क और वकार उल मुल्क। इन तीनों लोगों ने मिलकर मुस्लिम लीग की स्थापना करी 1906 में। फिर मुस्लिम लीग की इस डिमांड जो आती रही, मतलब मुस्लिमों का अलग प्रतिनिधित्व की जो डिमांड आती रही, यही बाद में साकार हो जाती है मार्ले मिंटो रिफॉर्म के अंतर्गत। तो इसके अंतर्गत पहली बार अलग प्रतिनिधित्व दिया गया मुस्लिमों को, ठीक है। एंड दिस वॉज अ मोस्ट डिट्रीमेंटल स्टेप फॉर द इंडिया। ये जो विभाजन था इसका एक प्रकार से आधारभूत बिंदु माना जा सकता है कि हिंदू और मुस्लिमों को एक प्रकार से बांट दिया गया, एक अलग समाज मान लिया गया। द नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स इन इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल वॉज इंक्रीज्ड। जो नंबर होते थे केंद्रीय सभा में और जो प्रांतीय सभाएं थी, वहां पर भी भारतीयों की संख्या बढ़ा दी गई। नॉन ऑफिशियल यानी कि गैर सरकारी की मेजोरिटी यहाँ पर लाई गई, तब भी कई सारे जो नॉमिनेटेड मतलब मेंबर्स होते थे उनकी भी संख्या रखी गई, और ये इलेक्टेड नहीं होते थे बल्कि ये उसमें से कई सारे नॉमिनेटेड होते थे। इसके अलावा इलेक्टेड मेंबर वर टू बी डायरेक्टली इनडायरेक्टली इलेक्टेड। जो इलेक्ट भी होते थे वो भी इनडायरेक्टली यानी कि अप्रत्यक्ष रूप से इलेक्ट होते थे। कैसे? ऐसे कि लोकल बॉडी जो होती थी वो इलेक्ट करती थी इलेक्टोरल कॉलेज को। समझिए ध्यान से, देखिए लोकल बॉडीज हैं, सबसे पहले लोकल इलेक्ट कर रही है किसे? इलेक्टोरल कॉलेज को इलेक्ट किया इसने। फिर ये इलेक्ट करेगा प्रोविंशियल को, प्रोविंशियल लेजिस्लेचर। अब ये प्रोविंशियल लेजिस्लेचर जाके उस बंदे को इलेक्ट करेगी जो कि सेंट्रल में बैठा है, सेंट्रल जो हमारा आज हम लोग लोकसभा और राज्यसभा बोलते हैं। इस प्रकार से जो इलेक्शन था वो काफी इनडायरेक्ट था। माउस से ऐसे ही बनता है, सॉरी। तो इस प्रकार से हम समझ लें यहाँ पे। बेसाइड सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर द मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन इन द एक्सेस ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द पॉपुलेशन वाज आल्सो रिकॉर्डेड। इन्हें मतलब अपनी जो जनसंख्या थी उसके आधार पर भी प्रतिनिधित्व यहाँ पर प्रदान किया गया। आल्सो द इनकम क्वालिफिकेशन, जो वोटर्स होते थे यहाँ पर इन्हें
इनकी जो संपत्ति होती थी उसके आधार पर वोटिंग राइट्स दिए गए थे, तो मुस्लिमों के लिए इसका जो संपत्ति की प्राप्ति थी जो कि एक सीमा थी उसे कम रखा गया था। समझ रहे हैं आप, पावर ऑफ द लेजिस्लेचर बोथ द सेंटर एंड द इन प्रोविंस वर इन लार्ज, इनकी जो शक्तियां थी इन्हें बढ़ाया गया था। अब ये रिजोल्यूशन पास कर सकते थे जो कि पारित हो भी सकता था और नहीं भी हो सकता था, ये प्रश्न पूछ सकते थे। ध्यान देने की बात है कि 1892 का जो अधिनियम लाया गया था वो उसमें पूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते थे, हालांकि प्रश्न पूछ सकते थे। यहाँ पर क्या हुआ कि सप्लीमेंट्रीज यानी कि पूरक प्रश्न पूछने की भी यहाँ पर आज्ञा यहाँ पर दे दी गई, और वोटिंग राइट जो था यहाँ पर दिया गया बजट में, लेकिन सेपरेट आइटम्स के लिए। ओवरऑल जो बजट था वहाँ पर वोटिंग राइट्स अभी भी नहीं मिला है, ध्यान रखिएगा। जो वोटिंग है सेपरेट आइटम, अलग अलग बिंदुओं पर अलग से वोटिंग हो सकती थी, लेकिन थ्रू द बजट एज अ होल यहाँ पर ऐसा कोई प्रावधान अभी भी नहीं लाया गया। वन इंडियन वॉज टू बी अपॉइंटेड टू द वायसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल, वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में एक इंडियन व्यक्ति की नियुक्ति होने का प्रावधान किया गया, जो कि सत्येंद्रनाथ सिन्हा बने पहले ऐसे भारतीय व्यक्ति जो कि 1909 में अपॉइंट हुए थे। अब इसका अगर हम लोग मूल्यांकन करें तो लॉर्ड मॉर्ले जो थे इनका कहना था, इफ इट कुड बी सेड दैट दिस चैप्टर ऑफ रिफॉर्म लेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ पार्लियामेंट्री सिस्टम इन इंडिया, आई फॉर वन वुड हैव नथिंग टू डू विथ इट। इन्होंने बोला मिंटो जी ने कि अगर कोई ऐसा किसी को ऐसा लगता है कि जो हमने सुधार लाया है मार्ले मिंटो रिफॉर्म 1909 के द्वारा, अगर किसी को ऐसा लगता है कि हम यहाँ पर संसदीय प्रणाली लागू करने वाले हैं इंडिया में इसके थ्रू, तो इस बात से मेरा कहीं का कोई लेना देना नहीं है, इन्होंने ऐसा स्पष्ट बोला था। यानी कि ये दर्शाता है कि वास्तव में इनकी मंशा कोई सुधार करने की नहीं थी, ये एक प्रकार का जो उभार हो रहा था एक्सट्रीमिज्म का, इसे रोकने का एक प्रकार का एक छोटा सा माध्यम था। द सिस्टम ऑफ इलेक्शन वॉज टू इनडायरेक्ट, बहुत ही ज्यादा इनडायरेक्ट प्रणाली थी यहाँ पर, अप्रत्यक्ष प्रणाली थी चुनाव की, एंड इट गिव द इम्प्रेशन ऑफ द इनफिल्ट्रेशन ऑफ लेजिस्लेचर थ्रू अ नंबर ऑफ सीट्स, कई सारे मतलब सांचों में होते हुए, शिक्षों में होते हुए लोग चुन के जा रहे थे, जिसमें कि उनकी चाहत के अनुसार ही लोग जाते थे। वट द रिफॉर्म ऑफ द 1909 गेव द पीपल टू द कंट्री वॉज अ शेडो देन सब्सटेंस, वास्तव में कुछ नहीं प्राप्त हुआ इससे देखा जाए तो, एक शैडो की प्रकार की कोई चीज जो कि बस आभास होती है, सुधार का एक प्रकार से आभास मात्र था, वास्तव में सुधार नहीं था ये। इसी प्रकार से द पीपल हैड डिमांडेड, जिन्होंने एक सेल्फ गवर्नमेंट मांगी थी जो जिस जनता ने, कि हमें अपनी खुद की सरकार चाहिए, बट उन्हें एक प्रकार का बेनेवोलेंट डिपोटिज्म मिला, उदार निरंकुशता, मतलब कहने को उदार भी है पर निरंकुश भी है, तो इस प्रकार की रणनीति यहाँ पर इनकी बनी रही। यहाँ पर आज का मेरा पीपीटी खत्म होता है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे बहुत जल्दी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, यहाँ पर कोई सुधार की गुंजाइश हो तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज बताएं, और आप चाहते हैं कि अगर आपको मेरा थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है तो आप मुझे प्लीज सजेस्ट करें कि आप किस प्रकार का, किस सब्जेक्ट का वीडियो चाहते हैं। ठीक है, ओके, थैंक्स अ लॉट।